हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमित डिमरी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन जो हम सभी के माइंड में कभी ना कभी उठता है जब भी हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट की। सेम ही बात है, तो जब भी हम इस शेयर मार्केट की बात करते हैं तब हमारे मन में एक क्वेश्चन जरूर उठता है कि जब भी जो कंपनी है यानी कि किसी भी कंपनी का जब भी शेयर प्राइस बढ़ता है, ठीक है, जिस भी कंपनी का शेयर प्राइस जब बढ़ता है तो उससे कंपनी को क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, कई हमारे मन में क्वेश्चन होता है कि जब कंपनी का मान लीजिए शेयर प्राइस किसी कंपनी का 100 रुपये था और वो बढ़कर जो है टाइम पीरियड के बाद जो है 200 रुपये का हो गया, ठीक है, तो जो वो 100 रुपये का जो इंक्रीमेंट हुआ उस कंपनी के एक शेयर में, तो उससे कंपनी को क्या प्रॉफिट होता है, यानी कि कंपनी के पास कुछ हिस्सा जाता है, कुछ भी परसेंट जो है प्रॉफिट का कुछ परसेंट कंपनी के पास जाता है या नहीं जाता। इसी हमारे मन में कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर उठता है और बहुत सारे जो मैंने साथ के हैं उनसे भी ये क्वेश्चन सुना है, तो आज हम इसके ऊपर वीडियो डिस्कस करते हैं। तो इसका सबसे सिंपल आंसर, सबसे डायरेक्ट आंसर क्या है कि कंपनी को डायरेक्टली कोई भी बेनिफिट नहीं होता, यानी कि साफ साफ कहने का मतलब है यदि कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है तो इससे कंपनी को डायरेक्टली कोई भी बेनिफिट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो शेयर प्राइस बढ़ा है जो उसमें से कुछ परसेंट हिस्सा कंपनी के पास चले जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यानी कि कंपनी को पैसा सिर्फ शुरुआती स्टेज में, यहाँ पर प्राइमरी जिसे मार्केट हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट में कंपनी जो है अपना IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है लॉन्च करती है, यानी कंपनी चाहती है फर्स्ट टाइम कि हम अपनी कंपनी के शेयर्स को, अपनी कंपनी को लिस्ट करें। जो भी इंडेक्सेस होते हैं, जो भी जैसे भारत में क्या है NSE BSE और इस तरीके के इंडेक्सेस हैं, सबसे मेन क्या है मेन मतलब सबसे जो पर्टिकुलरली यूज में है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जिसमें होता है वो क्या होता है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE, तो इनमें जो है कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है। तो सबसे पहली बार जहाँ पर कंपनी अपना IPO निकालती है, सबसे पहले बार अपने शेयर्स को इंट्रोड्यूस करती है, उसे प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, और जो शेयर वो इंट्रोड्यूस करती है उसको IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इस समय क्या होता है कि कंपनी अपने मान लीजिए 1 लाख शेयर है, ठीक है, 1 लाख शेयर या 1 करोड़ शेयर जितने भी शेयर हैं वो मार्केट में निकालती है और जो है जो बायर्स हैं उसको खरीदते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और उसके बदले में कंपनी के पास जो पैसा है, मान लीजिए 1 लाख शेयर निकाले और हर शेयर की कीमत जो है कंपनी ने 10 रुपये रखी, लेकिन 10 की जगह कंपनी को 12 रुपये मिल गए, यानी कि हर शेयर पे 12 रुपये कंपनी को मिले, यानी कंपनी के पास 12 लाख रुपये कंपनी के पास आ गए। ठीक है, अब वो शुरुआती स्टेज में हुआ किसमें, प्राइमरी मार्केट में, जिसको IPO बोलते हैं, यानी कंपनी के पास 12 लाख आ गए। अब कंपनी जो है स्टॉक उस पर लिस्ट हो गई है NSE या BSE किसी भी, मान लीजिए भारत की बात कर रहे हैं, तो अब कंपनी जो लिस्ट हो गए उसके बाद जो है कंपनी का कोई भी लेना देना नहीं होता है शेयर्स के साथ, यानी कंपनी को कोई भी प्रॉफिट या कुछ भी तरीके से प्रॉफिट कंपनी के पास नहीं मिलता है, ठीक है, डायरेक्टली रूप में। और जब, क्योंकि हम यहाँ पे कंपनी के सेकेंडरी मार्केट में जब कंपनी की लिस्टिंग हो गई है उस केस की बात कर रहे हैं, कंपनी के पास अब कोई भी प्रॉफिट नहीं जाएगा डायरेक्टली, जो भी जाना था सब्सक्राइबर के थ्रू फर्स्ट टाइम जब IPO के थ्रू जाता है उस समय जो कंपनी के पास पैसे मिल जाते हैं उन शेयर्स को इशू करके वो कंपनी के पास आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है कंपनी जो लिस्ट हो जाती है और जितने भी टाइम तक कंपनी रहती है जो भी मार्केट में लिस्ट रहती है उस दौरान जो भी बाइंग सेलिंग होती है, ठीक है, बायर्स और सेलर्स के बीच, उनके बीच ही प्रॉफिट और लॉस का लेन देन होता रहता है, कंपनी को इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होता डायरेक्टली। लेकिन क्या ऐसा है कि फिर भी कंपनी जो है शेयर प्राइस के पीछे इतना ज्यादा क्यों बढ़ी रहती है, कि कंपनी जो है अपने शेयर प्राइस पे बहुत ज्यादा फोकस क्यों करती है, जब कंपनी को हमने देखा कि कोई भी डायरेक्टली सेकेंडरी मार्केट में आने के बाद जो है डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं होता है। यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में तो कंपनी को पैसे मिल गए जो भी मिलने थे, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जब कंपनी लिस्ट हो जाती है तो उसके बाद जो है शेयर प्राइस में बढ़ना घटना कंपनी को डायरेक्टली जो है पैसे के रूप में इफेक्ट नहीं करता, डायरेक्टली हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपनी जो है शेयर प्राइस को बेहतर करना चाहती है, उसको जो है अच्छा करना चाहती है, कंपनी चाहती है कि उसका शेयर प्राइस बढ़े, तो फिर कंपनी को इससे क्या, जब हमने बात कही कि कंपनी को डायरेक्टली कभी बेनिफिट होता ही नहीं है, 1% भी कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाता है, तो फिर कंपनी इतना क्यों एफर्ट करती है शेयर प्राइस के लिए। तो सीधे तौर पर हम देखते हैं कि कंपनी को इनडायरेक्ट रूप में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जिनकी वजह से कंपनी शेयर प्राइस पर फोकस करती है। तो इनडायरेक्ट रूप में हम कह रहे हैं, डायरेक्टली तो हमने बात कर ली कि कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में कंपनी को काफी सारे बेनिफिट होते हैं। पहला है
मार्केट कैपिटलाइजेशन का बढ़ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन का बढ़ना, ठीक है, यानी कि शेयर प्राइस बढ़ेगा तो कंपनी की जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट वैल्यू है मॉनेटरी रूप में, वो बढ़ेगी, ठीक है। तो पहला बेनिफिट ये है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको पता है जब कंपनी की बढ़ रही है तो कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। दूसरा बेनिफिट क्या है हमारे पास कि कंपनी की जो है ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, कंपनी की क्या होती है ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। कंपनी के ब्रांड वैल्यू का मतलब, ब्रांड का मतलब जैसे अगर हम एप्पल आईफोन आईफोन की बात करें एप्पल की, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि एप्पल अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके नाम से ही, उसके जो है ब्रांड से ही उसके मोबाइल्स बिक जाते हैं ना, तो अपने आप में क्या है ब्रांड वैल्यू जो है उसकी बहुत ज्यादा है, बहुत तगड़ी है। ऐसे ही कई सारे और चीजें हैं, चाहे हम खाने के प्रोडक्ट में देखें हल्दीराम का प्रोडक्ट, उसकी अपनी एक ब्रांड वैल्यू है। तो इस तरीके से कंपनी की जो है ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। ब्रांड वैल्यू कई सारे रीजन से बढ़ सकती है, लेकिन शेयर प्राइस भी उसमें से एक बहुत ही मेन रीजन है, ठीक है। दूसरा है, तीसरा फायदा जो कंपनी को इनडायरेक्ट रूप में होता है कि कंपनी को जो है लोन इजीली प्रोवाइड हो जाता है, यानी कंपनी चाहती है कि हमें अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत है और ज्यादा, तो कंपनी को इजीली जो है लोन मिल सकता है बैंक से, ठीक है। जब कंपनी है, लोन लेने के कई तरीके हो सकते हैं कंपनी के पास, कि वो अपने शेयर्स को जो है कंपनी के पास रखवा दे, सॉरी बैंक के पास रख दे, वहां से लोन ले ले उसके बदले में। तो मान लीजिए 100 पे इशू किया था, अब आज के समय में कंपनी का शेयर प्राइस 500 चल रहा है, तो कंपनी को इजीली, बहुत इजीली जो है अच्छे उस पर लोन मिल जाएगा कम इंटरेस्ट पे, क्योंकि अब शेयर प्राइस बढ़ गया है, ठीक है। वो शेयर प्राइस गिरवी रखवा के, शेयर रखवा के उसके बदले में लोन ले सकती है ना, एक तरीके तो लोन लेकर ये होता है, डायरेक्टली भी ले सकती है कंपनी, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी को बेनिफिट होता है। अगला बेनिफिट कंपनी को क्या होता है, इनडायरेक्ट रूप में कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। क्रेडिबिलिटी या फिर हम कहें गुडविल, ठीक है, या फिर जिसको हम हिंदी में साख भी कहते हैं, तो कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है वो उसमें काफी इजाफा होता है जब कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है, ठीक है। कंपनी की क्रेडिबिलिटी, रेपुटेशन बढ़ती है, यानी कि कंपनी जो है अपने जो साथ के बिजनेस जो कंपनीज हैं जिनके साथ वो जुड़ी हुई है उनसे उधार माल मिल जाता है इजिली, क्योंकि कंपनी की गुडविल अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है, साथ वालों को भरोसा है कि हाँ हमारे पैसे आ जाएंगे जल्दी, ठीक है। तो इस तरीके से क्रेडिबिलिटी बढ़ती है लोगों की नज़र में भी, और जो साथ के जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनकी नज़र में भी, इससे कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। अगला हमारे पास पॉइंट है, कंपनी के जो है शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जो शेयर है उनकी वैल्यू बढ़ती है ना, उससे वो क्या होता है कंपनी में और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो शेयर होल्डर्स के पास जो वैल्यू है वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो हम अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6 की कंपनी को नए इन्वेस्टर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं कंपनी को, नए इन्वेस्टर्स मिलते हैं, ठीक है। ये भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपनी के लिए कि कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट आए, भले ही वो FDI के रूप में आए, यानी कि बाहर, यानी फॉरेन कंट्री से आए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या लोकल मार्केट से आए यानी कि अपने देश के मार्केट से आए, तो कंपनी के पास इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे और पैसा आएगा। जब कंपनी का शेयर प्राइस दिखेगा कि हाँ बढ़ रहा है तो कम लोग पैसा लगाना चाहते हैं कंपनी के, एक तो लोग हो सकता है कि डायरेक्ट शेयर प्राइस खरीद ले, उसमें केस में कंपनी को पैसा नहीं जाएगा, लेकिन कंपनी इंटरनल रूप से भी जो है पैसा लगा सकती है, ठीक है। तो इन्वेस्टर बढ़ेंगे तो उससे कंपनी के जो ऑपरेशंस है उनको और ज्यादा बढ़ाने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी को ये सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास बेनिफिट है, कंपनी जो है इजिली मर्जिंग अपॉर्चुनिटीज, मर्जर या फिर ओवरटेक, यानी कि ओवरटेक का मतलब है कि किसी और को, किसी कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद सकती है, ठीक है, या फिर खुद को दूसरे के साथ मर्ज कर सकती है, ठीक है। इस तरीके से टाटा ग्रुप्स है, जैसे टाटा ग्रुप है बहुत ही बड़ा अपने आप में इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है, ठीक है। तो वो क्या है, नई नई कंपनीज हैं या फिर पुरानी कंपनीज उनको भी ओवरटेक करती है, अपने साथ जोड़ती है, तो अपने आप में टाटा की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो वो इजिली दूसरों को भी अपने साथ मर्ज करती है। तो इस तरीके से कंपनी को कई सारे बेनिफिट्स होते हैं कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने से, ठीक है।
लेकिन सिर्फ एक ही ये रीजन नहीं है कि शेयर प्राइस बढ़ गया तो ये सारे कंपनी को बेनिफिट मिलेंगे, उसके और भी कई रीजंस होते हैं, लेकिन उसमें से एक रीजन जो है शेयर प्राइस का बढ़ना भी होता है, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सभी बेनिफिट्स होते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन का बढ़ना, ब्रांड वैल्यू बढ़नी, तीसरा लोन इजिली मिल जाता है, ठीक है, चौथा क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, पांचवा शेयर होल्डर्स के प्राइस, शेयर होल्डर के पास जो शेयर है उनके प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है, एक तरीके से उनको हैप्पीनेस मिलती है, इन्वेस्टर्स बढ़ते हैं, मर्जर अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, ओवरटेकिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, इस तरीके के कई और सारे बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमने देखा किस तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट कोई भी नहीं मिलता कंपनी को, लेकिन इनडायरेक्टली इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये बहुत ही छोटा सा वीडियो था और बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन जो हम सभी के माइंड में आता है स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हुए, आज हमने इस पर डिस्कस किया। आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।